नानक के इलाका शेरपुर स्थित नामधारी समुदाय व पूर्वांचलीय भाईचारे की ओर से साझे तौर पर श्री गुरु नानक देव जी के 548वें प्रकाश पर्व पर समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में नामधारी समुदाय व पूर्वांचल भाईचारे के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और श्री सतगुरु दलीप सिंह जी और नामधारी साध संगत ने इतने उचेचे तौर पर दर्शन दिते ने, शमूलियत की है और असी यह समझते हैं कि यह हिंदू सिख एकता की सारे संसार की एकता वास्ते श्री सतगुरु दलीप सिंह जी जोर दे रहे हैं कि हिंदू सिख एकता नहीं, सारा संसार ही सतगुरु नानक देव जी पूजता और उन्होंने शोभा सारे संसार विच होनी चाहिए है। हर एक फिरके नूं अदारे नूं सतगुरु नानक देव नाल प्यार करना चाहिए, उन्हां दी सिखियावां ते चल के अपना जीवन जिहड़ा उह सफल करना चाहिए। मैं अज दे दिन ते इस सारे प्रबंधकां नूं इत्थों दिआं नूं सब नूं बहुत बहुत वधाई देना, पूरे विश्व नूं वधाई है, सत श्री अकाल। जिस विच पूर्वांचल समाज दीआं उघियां शख्सियतां, समाज दे बहुत अलग अलग धार्मिक समाजिक जथेबंदियां दे आगू साहिबानां ने शिरकत कीती, जिहदे विच बहुत सारियां संस्थावां ने इकत्तर हो के गुरु नानक देव जी महाराज नूं नमन कीता। और अज दा जिहड़ा समागम सीगा उहदे विच इह प्रयास कीता गया वी गुरु नानक देव जी महाराज दीआं जिहड़े सिख्यावां ने उहदे ते अमल कीता जावे, उह समाज दे बारे उहनां दी जिहड़ा इतिहास है उस बारे किवें जानकारी दित्ती जावे समाज नूं, इह सारियां चीज़ां नूं लै के अज पूर्वांचल जन कल्याण खासकर यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा बाहरले स्टेटां तों जिहड़े लोग आए आ उहनां नूं गुरु नानक जी दे इतिहास ते उन्हां दी शख्सियत बारे जानकारी देने लई समागम रखा गया और पता लगे। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।